अगर आप इस चैनल पर पहली मरतबा विजिट कर रहे हैं, पहली मरतबा आए हैं, तो आपके भाई का चैनल है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की जो सिलसिला लेकर आगे चल रहे हैं, ये सिलसिला कहाँ से चला था? वो पहला मदरसा सुफा जिसे आका बनाते नहीं, तवज्जो, वो पहला मदरसा सुफा जिसे आका बनाते हैं, सहाबा उसमें पढ़ते हैं, मेरे आका पढ़ाते हैं, सहाबा उसमें पढ़ते हैं, मेरे है, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बर्बाद मत करना। मदारिस का बोल भी हमारी कौम के लिए क्या क्या कुर्बानी देता है, इसके बावजूद बेचारा गालियां खाता है। तवज्जो रखो, अभी तक आपने बहुत अच्छा सुना, लेकिन अब आप थोड़ी देर के लिए दिल के निजाम कानों को खोल लेना, फिर उसके बाद सुनना कि पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी। तवज्जो, पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, बच्चे का बताए मोलवी, कलमा कुरान भी सिखाए मोलवी, शादी हो निकाह भी पढ़ाए मोलवी, जनाजा भी पढ़ाए दफनाए मोलवी, कब्र तलक काम आए मोलवी, है ना, है ना, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं? ये मेरी कौम की है सुबह शाम की गलत गलत निजाम है, या फिर निजाम की गलत, जो कायदे से अलिफ बा भी पढ़ नहीं सकता, जो कायदे से अलिफ बा भी पढ़ नहीं सकता, निकालने को लगा है इमाम की गलती, निकालने को लगा है इमाम की गलती, निकालने को लगा है इमाम बच्चे का बताए मौलवी, कलिमा कुरान भी सिखाए मौलवी, शादी होने का भी पढ़ाए मौलवी, जनाजा भी पढ़ाए दफनाए मौलवी, कब्र तलक काम आए मौलवी, शाम भी कुछ होनी चाहिए बेशर्मा, शाम भी कुछ होनी चाहिए बेशर्मा, फिर भी तुम करते हाय हाय मौलवी, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बर्बाद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बर्बाद मत करना। मदारिस में क्या होता है? यहाँ अल्लाह के कुरान की तालीम होती है, मोहब्बत की अमन की रोशनी तफसीम होती है, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बर्बाद मत करना। आखिरी बात, कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए, कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए, कितनी जरूरी है कुरानी तालीम, कौम के भी समझ में ये आनी चाहिए, कितनी जरूरी है कुरानी तालीम, कौम के भी समझ में ये आनी चाहिए, देखने में भले हम कोई चरम है, देखने में भले हम कोई कम ना, देखने में भले हम कोई मासूम, सूरह इखलास में तो आनी चाहिए, खुदा से डर मत करना, मदारिस बर्बाद मत करना, खुदा से डर मत करना, मदारिस बर्बाद मत करना। मैंने ये कलाम कारी साहब के कहने पे सुनाया, चार किसी और पढ़ता हूँ जगह लेता हूँ, मैंने क्यों सुनाया, वरना मेरे पास और भी कलाम सुनाने के थे, लेकिन कारी साहब का हुक्म था मैंने सुनाया, उसकी भी एक वजह थी। मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाए, आखिरी चार मिसरे अपनी चलिए, मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाए, दर दीवार से टकरा
रंगे पलट लाए। अभी मौका है अंधेरों का करो कुछ तो इलाज। बहुत बहुत लिए पलारी सारी। अभी मौका है अंधेरों का करो कुछ तो इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। माशाल्लाह।